यूक्रेन में फंसे होने के दौरान कई छात्रों ने वीडियो बनाकर सरकार से मदद मांगी थी। ऐसे ही एक वीडियो का स्क्रीन ग्रैब लेकर स्टूडेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पर छात्रा के हवाले से लिखा है कि भारतीय दूतावास की ओर से मुंबई एयरपोर्ट पर उतारे जाने के बाद उसे कोई मदद नहीं मिली, खुद कैब बुक करवा कर घर पहुँचना पड़ा जिसमें 234 रुपए खर्च हुए। कई यूजर्स ने पोकर शेष के इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसे कई हजार लाइक्स मिले हैं। पोकर शेष को इंटरनेट पर अक्सर गलत जानकारियां फैलाने के लिए जाना जाता है। कई लोगों ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया। फेसबुक पर इसे शेयर करने वालों में ऐसे कई पेज शामिल हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स है। ये तस्वीर यूक्रेन में फंसे छात्रों का मजाक उड़ाने का एक घटिया तरीका है और कुछ नहीं। हमने देखा कि वीडियो में दिख रही युवती मैसूर की ज्ञानश्री सिंह है। ये यूक्रेन में मेडिकल की स्टूडेंट है जिसने वीडियो बनाकर लगभग 300 स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी दी थी कि ये सभी रूस की सीमा के पास एक हॉस्टल के बंकर में फंसे थे। ऑल्ट न्यूज ने मैसूर के एक पत्रकार से बात कर ज्ञानश्री के पिता गणेश सिंह से संपर्क किया। फोन कॉल पर हुई बातचीत में गणेश सिंह ने ऑल्ट न्यूज को बताया था कि उनकी बेटी 2 मार्च को पोलैंड पहुंची थी और उसकी 1 या 2 दिन में घर पहुंच जाने की संभावना उन्होंने जताई। कॉलमिस्ट विक्रम बोहरा ने न्यूज 9 के लिए एक आर्टिकल लिखा जिसमें इस पोस्ट का संदर्भ है। उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगने वाले छात्रों को एंटाइटल मिलेनियल्स कहा। इस तरह मुसीबत में फंसे छात्रों का मजाक उड़ाने के लिए एक घटिया तरीका अपनाया गया। अब बात करते हैं एक ऐसे वीडियो की जिसका इस्तेमाल ये दावा करने के लिए किया जा रहा है कि छात्रों ने भारत सरकार की एक के बाद एक चेतावनी को अनदेखा किया। इसके बारे में बात शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। सर, वॉर की सुनी थी हमने सर, आज हो गया सर वॉर? वॉर नहीं हुआ है। नहीं हुआ, उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे रशियंस। आपको अब मन था देखने का, थ्रिल बहुत ज्यादा, बट नहीं हो पाया। थ्रिलिंग हुआ नहीं तो बस। तो टैंक्स वगैरह वापस ले लिया हमने, सुना है। टैंक्स हाँ, नॉर्दर्न साइड पे हैं, पर अभी बेलारूस साइड पे हैं अभी। हाँ, पुतिन चाचा है हमारे। तो कुछ ऐड करना चाहोगे सर? यार ऐड यही करना चाहूँगा कि जो भी है वॉर हो रहा है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे हमें न्यूज आ रही है कि रशिया इन्वेड कर जाएगा आज रात को 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 20 मिनट और, बाद। और, हाँ, और कई लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर ये वीडियो शेयर करते हुए छात्रों को ही जिम्मेदार ठहराया। लेकिन ये वीडियो युद्ध शुरू होने से बहुत पहले का है। आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। सौरभ नाम के एक ब्लॉगर ने इंडियन मीडिया का मजाक उड़ाते हुए ये वीडियो 16 फरवरी को यूट्यूब पर अपलोड किया था। इस वीडियो के यूट्यूब पर अपलोड होने से पहले भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की थी। इसे पर्याप्त चेतावनी कहना उचित नहीं होगा। 15 फरवरी को जारी इस एडवाइजरी में कहीं भी तुरंत यूक्रेन छोड़ने को नहीं कहा गया था। ब्लॉग में एक छात्र कहते हुए दिखता है कि रूस ने अपने कुछ सैनिकों को वापस ले लिया है। ये बात सही है। 15 फरवरी को रूस ने असल में कहा था कि वो अपने कुछ सैनिकों को यूक्रेन की सीमा से वापस ले रहा है। इस खबर को कई मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट किया था। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने कई बार छात्रों से कहा था कि वो न घबराए। 16 फरवरी को जारी एडवाइजरी में छात्रों से नहीं घबराने की अपील की गई थी। इसके अलावा उस समय कई छात्र शिकायत कर रहे थे कि फ्लाइट्स जल्दी बिक रही है और कईयों ने लिखा था कि वो इतना ज्यादा किराया देने में असमर्थ है। 20 फरवरी को दूतावास ने एक दूसरी एडवाइजरी जारी की जिसमें उपलब्ध कॉमर्शियल या चार्टर्ड फ्लाइट से उन सभी छात्र और नागरिक जिनका वहां रुकना जरूरी नहीं है उन्हें यूक्रेन छोड़ देने के लिए कहा गया। 24 फरवरी को एयर इंडिया की एक फ्लाइट को भारत वापस लौटना पड़ा क्योंकि यूक्रेन ने कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इस समय तक रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की घोषणा कर दी थी। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से यूक्रेन तुरंत छोड़ने की सलाह 22 फरवरी को दी थी। इसकी तुलना में अमेरिकी विदेश विभाग ने 23 जनवरी को ही ये कह दिया था कि यूक्रेन में सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ देना चाहिए। अमेरिका ने 24 फरवरी तक 10 से ज्यादा नोटिस जारी किए जिसमें नागरिकों को रूस के संभावित हमले से बढ़ने वाले खतरे के बारे में सूचित किया गया। इस तरह न सिर्फ सरकार द्वारा देरी से लिए गए निर्णय को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है बल्कि मुसीबत में फंसे छात्रों का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। उन्हें गलत तरीके से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन और मेनस्ट्रीम मीडिया में एक नया पैटर्न देखने को मिला जिसमें छात्रों को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको याद हो तो हम उस वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन में गोली लगने से हुई मौत के बाद एक प्रतिष्ठित चैनल के रिपोर्टर ने क्या कहा था। देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से चार दिन पहले यानी कि एक हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस वक्त मैं कम से कम 7-8 देशों के छात्रों से मिल चुका हूँ। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है, ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक। वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कल एक्स्ट्रा ट्रेन लगाई गई थी कीव में ताकि इन छात्रों को बॉर्डर पर ले जा सके, वहां से इनको हंगरी, पोलैंड या रोमानिया के रास्ते इंडिया भेजा सके। बहुत दुखद है जो हुआ, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है यहां पे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, वो किसी भी और देश की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा है और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी जो है ट्रेन स्टेशन पहुंचे, ट्रेन अभी भी चल रही है और वो अभी भी बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। ओवर टू यू। नहीं राजेश, आप जो बात कह रही है महत्वपूर्ण बात है।